गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 17th of November 2023 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिकॉर्ड द वीडियो फ्रॉम माई लैपटॉप, सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम माई मोबाइल। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.36। ये जो है कंसोलिडेशन चल रहा है, एट द बॉटम कहाँ पे हो रहा है, इट इज़ एट द 200 पीरियड मूविंग एवरेज सपोर्ट, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो हमें देखना है ये कंसोलिडेशन परमानेंट हो रहा है, मींस आई वांट टू मीन ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है या थोड़ा सा टाइम पास करके फिर बाउंस बैक करता है। सो ये जो आपका 14th नवंबर का लो है, क्या इस लो को आने वाले हफ्तों में, आज तो कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं, बट US मार्केट में लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो 14 नवंबर का लो हो, इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हैं या और थोड़ा टाइम पास करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है 83.23, सो नथिंग न्यू, सो कंसोलिडेशन होने देते हैं एंड जस्ट वी नीड टू वेट फॉर ए गुड ट्रिगर ब्रेकआउट आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देन GBP डॉलर नाउ इज़ एट 1.2409। ये आपका 14th नवंबर का ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक हुआ है। पुल बैक इज़ मोस्ट वेलकम बिकॉज पुल बैक इज़ द मीन्स फॉर ए ट्रेंडेड मूव, इट्स अ गुड सिग्नल। सो हमें अभी देखना है कि ये इस रेंज के आसपास आपका जो 200 पीरियड ऑरेंज कलर का लाइन है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके क्या ये ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। सो पुल बैक के बाद अगर 14th नवंबर 15th नवंबर का हाई को तोड़ता है देन इट इज़ गोइंग टू बी ए ग्रेट वन। GBP INR 103.29, ये भी पुल बैक हुआ है। पुल बैक के बाद अभी हमें देखना है कि यह 15th नवंबर का हाई को तोड़ता है ऊपर की तरफ, देन एक अपमूव ट्रेंडेड अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर अभी है 1.0853। यहाँ पर भी आप देखो ये कल के दिन ये 15th नवंबर का हाई को तोड़ा था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए, दोबारा एक इन्वर्टेड ट्विन बार टाइप परफॉर्म करके नीचे आ गया है, बट प्राइस यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करते हैं इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट वेलकम ब्रेकआउट, बट इमीडिएटली 1.0950 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। यूरो INR अभी है 90.35, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन का लोकेशंस कहाँ पे, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा जो 15 नवंबर का पिन बार है उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए, इन सच ए केस एक ट्रेंडेड अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन अभी है 150.53। आपका 15th नवंबर के दिन बाउंस बैक किया था लेकिन बाउंस बैक जो है पूरा का पूरा 100% बाउंस बैक टुवर्ड्स द टॉप 151.75 की तरफ हुआ नहीं है, रदर मीन्स मिड वे से फिर दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक कंसर्न ये है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, कंसर्न इसीलिए है कि इसको अगर मीन्स नीचे की तरफ स्ट्रांग ब्रेक डाउन करते हैं देन आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मीन्स हमें सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो है ये आपका ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो अभी एज ऑफ नाउ ये सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें देखना है 31st अक्टूबर का मदर कैंडल। सब 31st अक्टूबर का मदर कैंडल के अंदर में ही एक अच्छा खासा ये जो जितना भी आपका प्राइस एक्शंस है 1st नवंबर ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा उस मदर कैंडल के अंदर में ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो 31st अक्टूबर का हाई एंड 31st अक्टूबर का लो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आइदर साइड आपका ब्रेक आउट होते हैं आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड देन एंड ओनली देन एक अच्छा खासा ट्रेंडेड मूव हो सकता है। सो अभी अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी करते हैं लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा 31st अक्टूबर का लो, देन एंड ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड ट्रेंडेड डाउनवर्ड मूव। ये INR यहाँ पे आपका 150.5529 ये ऊपर में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के वहीं पे अटका हुआ है। अभी ये जो आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से 15th नवंबर का जो हाई है उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं सो ग्रेजुअली INR में थोड़ा सा बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज का प्राइस मूव हमें देखना है क्या ये 15th नवंबर के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं या नहीं। डॉलर कैंडल 1.3751 ये आपका
on the lower side 1.3650 and on the higher side 1.3850, इसके बीच में ही साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहे हैं। आइदर साइड ब्रेकआउट होने देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ बढ़िया सा एक्सपेक्ट करेंगे। आपका अभी ऑसी डॉलर जो हमारा जो ये रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर में फंसे हुए, आप देखोगे परसों के दिन ये अपर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर रेंज में आया हुआ था, लेकिन उसके बाद कल एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड नेगेटिव कैंडल के बाद ये आपका फिर दोबारा नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। सो जब तक ये रेंज के अंदर में रहते हैं तब तक हम थोड़ा सा साइडवाइज ही रहेंगे। एक बार ब्रेकआउट होने देते हैं आइदर साइड, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। सी एन एच जो है ये आपका ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे अभी नहीं है। द रीज़न इज सिमिलर बिकॉज ऑन द हायर साइड PBOC इज देयर एंड द लोअर साइड आपका चाइनीज इकोनॉमी इतना बढ़िया सा काम नहीं कर रहा। जब तक दोनों में से एक PBOC अपना हट छोड़ देते हैं तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और या चाइनीज इकोनॉमी स्टार्ट्स बिहेविंग पॉजिटिवली तब एक के नीचे की तरफ एक हम एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड जो फ्यूचर है 78.86 का एक अच्छा खासा आपका नीचे की तरफ गया है एंड इमीडिएटली जो सपोर्ट लेवल है रेड कलर का वहीं पे आके कल पॉज ले रहा है। अभी इसके नीचे कंटिन्यूशंस करेगा तो हमारा जो एक्सपेक्टेड लाइंस है वो है आपका 76। सो देन सच के 76 में जाके फिर दोबारा एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकते हैं। अभी आते हैं यूएस टेन ईयर ट्रेजरी जो है 4.44, कल एक अच्छा खासा सॉफ्टनेस हमने देखा। यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि 15 नवंबर का पुल बैक दिया था, 16 नवंबर में उस पुल बैक को पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है। दैट बीइंग द केस अभी हमें ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है ग्रेजुअली। सो इन सच ए केस एनी ऑप्टिक में बी सोल्ड ऑन यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी 4.84 में है, यहाँ पर भी आप देखोगे 15 नवंबर का जो पुल बैक था उसको पूरा का पूरा 16 नवंबर में एनगल्फ कर चुका है। दैट बीइंग द केस अभी ये जो रिसेंट स्विंग लो है इसके लो के नीचे एक फॉलो थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी प्री डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।